नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत। अगर आप मैच देखना या क्रिकेट खेलना पसंद करते हैं या टीवी चैनल आपको देखते हैं, तो अगर डीडी स्पोर्ट का चैनल आपके सेटअप बॉक्स यानी टीवी में नहीं है तो आपको लाने का एक ज़बरदस्त तरीका बताने वाला हूँ। आप लोग अपने टीवी में ला सकते हो। अगर आपका टीवी में डीडी स्पोर्ट चैनल पहले से है तो आप लोगों को लाने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या करना क्या है आपको, ठीक, वो तरीका मैं बताता हूँ। सबसे पहले आप लोग करेंगे, देख सकते हो कि ये डीडी स्पोर्ट का चैनल रहा। मैं आपको क्या, सबसे पहले आपको करना है मेनू बटन दबाना है। मेनू बटन आपका कोई भी चैनल लगा उससे हमसे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। आपको मेनू बटन दबाना है। मेनू बटन दबाने के बाद आप आ जाएंगे प्रोग्राम सेटअप पे। प्रोग्राम सेटअप में आएंगे तो आपको ऐड न्यू प्रोग्राम दिखेगा, इसको ओके कर देंगे। आपको डालना है यहाँ पे फ्रिक्वेंसी। LNB फ्रिक्वेंसी में आपकी रहेगी 0.9750, इसके आगे भी डालेंगे 0.9750, ठीक। अब ट्रांसफ़र फ्रिक्वेंसी में मैं डालूँगा 11550, ठीक, 11550। उसके बाद सैम्बल रेट आपका 29500 ही रहेगा। बा पॉलरिटी आपकी वी रहेगी, बाइस की ऑफ रहेगा, डिस्क यूसूप ऑफ रहेगा, मोड आपका ऑल पर रहेगा। जैसा है तो आपका ऐसा ही रख देंगे, जिससे आपके अगर ये फ्रिक्वेंसी डालने पर अगर सिग्नल आ जाते हैं तो आपका चैनल डीडी स्पोर्ट का चैनल ज़रूर आएगा। तो मैं क्या करता हूँ, इसको ओके कर देता हूँ। ओके करने के बाद देखना कि हमारे टीवी चैनल मिल चुके हैं, रेडियो चैनल भी मिल चुका है। डीडी स्पोर्ट का मैं आपको चैनल दिखा देता हूँ, ठीक है। आपको मैं डीडी स्पोर्ट का चैनल मैं दिखाता हूँ, ठीक है। तो ऊपर चलते हैं, कहाँ पे है डीडी स्पोर्ट का चैनल। आप लोग देख सकते हैं कि 98 स्पोर्ट पर, अगला जो नंबर पहले था आपको मैं बताता हूँ। डीडी स्पोर्ट देखो 78 नंबर पे भी है और आपका एंड हाँ 98 था, ठीक है। आपको दिखाता है 90 किधर चला गया भाई साहब। हाँ ये देख सकते हो आप लोग, डीडी स्पोर्ट ये आपका चैनल रहा। पहले देख सकते हो, पहले आपका रहा 78 नंबर पे था। ये देख सकते हो आप लोग, डीडी स्पोर्ट का चैनल हमें मिल चुका है। अगर आप लोग ऐसे स्कैन करोगे तो आपकी सारी समस्या परेशानी दूर हो जाएगी, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं। अगर कोई भी प्रॉब्लम आते हैं तो भाई साहब कमेंट कर सकते हैं, नेक्स्ट वीडियो टॉपिक पर ज़रूर बनेगा। तो इस वीडियो को यही एंड करते हैं, तब तक ले जय हिंद जय भारत।